नाश्ते तो हम हर दिन बनाते हैं और कुछ ना कुछ नया ही बनाते हैं। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पके हुए टमाटरों से एकदम मज़ेदार और एकदम टेस्टी सी रेसिपी, जिसको अगर आप एक बार बना लिए ना तो आपका पूरा परिवार इसे बार बार बनवाएगा। और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, आसान भी है, और इसके साथ ही बनाएंगे मूँगफली की नए तरीके की चटनी। तो आज हम बनाएंगे टमाटर का एकदम नए तरीके का डोसा, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत बहुत आसान। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 एकदम पके हुए रसीले से टमाटर। एकदम जूसी टमाटर का इस्तेमाल करेंगे ना तो रेसिपी बहुत टेस्टी बनेगी। तो इन टमाटरों को हम क्या करेंगे, रफली इस तरीके से काट लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप काट लीजिए। और इन सारे टमाटरों को काट कर हम एक अलग प्लेट में रख लेते हैं। देख सकते हैं टमाटर एकदम जूसी होने चाहिए और पके हुए होने चाहिए, खट्टे टमाटर का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। अब क्या करेंगे, एक लेंगे मिक्सी का जार, हमें बनाना है एक बैटर। उसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। आप यहाँ पर कोई से भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक हो या फिर मोटी हो, यहाँ पर कोई भी यूज़ किया जा सकता है। सूजी के साथ ही हम डालेंगे गेहूं का आटा, ये नॉर्मल आटा है जो रोटी बनाने वाला होता है ना, बस वही है। और ये 4 से 5 टेबलस्पून ले लिया है मैंने। इसके साथ हमें यहाँ पर यूज़ करना है एकदम खट्टी सी दही। दही यहाँ पर हमें खट्टा ही यूज़ करना है, क्योंकि इस रेसिपी को हमें फर्मेंट नहीं करना है, इसीलिए हमें खट्टी दही का यूज़ करना है। अगर आपके पास खट्टी दही नहीं है तो भी मैं आपको इसका ऑप्शन बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून दही डाल दी है मैंने। अब इसमें डालेंगे हम पानी लगभग 1.5 कप के आसपास। ये मिक्सचर आप चाहें तो बाउल में भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर जार में बनाने का एक ही फ़ायदा है कि आसानी से मिक्स हो जाते हैं और एकदम स्मूद हो जाते हैं, आपको इसे बार बार फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 1.5 कप पानी डाल दिया है, चलिए इसको 1 से 2 बार चला लेते हैं मिक्सी को, ताकि एकदम अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और अब लेंगे एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल, जिसमें हम इस बैटर को पोर करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बैटर कितना एकदम स्मूथ हुआ है और अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, ये देखिए। और थिकनेस देख सकते हैं आप, इतना ही गाढ़ा रखना है, इसलिए आपको पानी की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ऐसी ही रखनी है, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसी सेम मिक्सी की जार को हम यूज़ करेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे टमाटर जो हमने काट करके तैयार किए थे। तो ये सारे हम डाल देते हैं, लगभग 3 टमाटर हमें इतने बैटर के लिए काफ़ी होगा। और इन टमाटरों के साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो हटा सकते हैं बिल्कुल। इसके साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा अच्छे से छील कर पतला पतला काट लीजिए, क्योंकि इसमें टुकड़े नहीं रहने चाहिए, एकदम अच्छे से पिस जाना चाहिए ये। अब यहाँ पर डालेंगे आधी छोटी चम्मच के आसपास जीरा पाउडर, आप साबुत जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें तीखी लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन लाल मिर्च पाउडर से अच्छा कलर आता है, इसलिए हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का ही यूज़ करेंगे। और बिना पानी डाले एकदम स्मूथ हमें इसका पेस्ट बनाना है, मिक्सी को रोक रोक कर चलाइए ताकि अच्छे तरीके से ये बारीक पेस्ट हो जाए। तो चलिए पीस लेते हैं। और ये देखें पेस्ट हमारा एकदम बढ़िया तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ, देख रहे हैं, इसमें छोटे बड़े चंक्स नहीं होने चाहिए, एकदम बारीक होना चाहिए। और अगर ज़रूरत लगे तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा। पेस्ट बिल्कुल तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं अलग बोल में। अगर आपने कभी भी टमाटर का ये मज़ेदार सा डोसा नहीं ट्राई किया है ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको वीडियो अभी भी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस पेस्ट को हम डाल देंगे ये सूजी वाले बैटर के साथ जो हमने तैयार करके रखा था, ये पूरा पेस्ट इसके लिए काफ़ी होगा। तो हम ये 3 टमाटर वाला प्यूरी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो ध्यान रखना आपको बैटर बहुत पतला नहीं रखना है, नहीं तो फिर अगर आप टमाटर की प्यूरी डालेंगे तो ये बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए बैटर को पीसते समय ध्यान रखें कि पानी आपको नाप के ही डालना है। टमाटर की प्यूरी जैसे ही डालेंगे ना, आप देखेंगे इसका कलर एकदम बढ़िया सा हो जाएगा, रेड इस कलर में आ जाएगा, ये देखिए एकदम बढ़िया कलर हो गया ना। और थिकनेस आपको ध्यान रखना है, देख सकते हैं अगर आपको पतला लग रहा है तो आप क्या करें, इसमें थोड़ी सी सूजी और मिला सकते हैं या फिर आटा मिला सकते हैं, लेकिन अगर गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डालकर एकदम ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें बनाकर रखनी है, देख रहे हैं। और इसे ना तो फर्मेंट करना है ना ही इनो डालना है, अगर आपने खट्टी दही का यूज़ किया है तो, लेकिन अगर आपने खट्टी दही का यूज़ नहीं किया है तो आप इसमें आधी छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर खाने का सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर ना तो सोडा डालेंगे और ना ही इनो, क्योंकि हमने यहाँ पर खट्टी दही का यूज़ किया है तो ये बिल्कुल तैयार है। चलिए इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है डोसा बनाने के लिए। तो अभी हम बैटर को मिक्स करके थोड़ी देर साइड में रखेंगे, ताकि हम इसके लिए पहले चटनी तैयार करेंगे, फिर हम गर्मा गर्म डोसे बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और नए तरीके से।
तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन गरम होने रख दिया है और इसमें हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। आप बिना तेल के भी मूंगफली को भून सकते हैं, लेकिन तेल डालकर भूनने से एक बढ़िया सा टेस्ट आता है चटनी में। आप एक बार ट्राई करना, फिर आपको पता चलेगा। तो लगभग आधा कप मैंने यहाँ पर कच्ची मूंगफली के दाने ऐड कर लिए हैं तेल के अंदर और फ्लेम को हल्का सा बढ़ाकर बढ़िया से भून लेंगे जब तक कि जो मूंगफली के दाने हैं अच्छे से टूटने ना लगे, क्रिस्प ना हो जाए। तो देखिए अच्छे से सिक गए हैं ये, हम इनको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। और अब जो पैन में तेल बच गया है इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज, इसको मोटा मोटा काट लिया है मैंने स्लाइस में, 2 लाल मिर्चें और थोड़ी सी लहसुन। आप यहाँ पर उड़द दाल या चने दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस चटनी में यहाँ पर दाल का यूज़ नहीं करेंगे। बस इन तीनों चीज़ों को हम हल्का सा भून लेंगे ताकि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। ये देखें प्याज हमारा अच्छे तरीके से ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और प्याज को भी निकाल लेते हैं मूँगफली के साथ ही। ये देखिए, और अब हम इनको अच्छी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गरम गरम में बिल्कुल नहीं पीसना है और ना ही और सारी चीज़ों का यूज़ करना है। इतनी ही चीज़ों से चटनी बनकर तैयार होगी। तो अब एक मिक्सी का जार ले लिया है, मिक्सर सारा हमारा एकदम बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो अब इसको हम डाल देते हैं मिक्सी के जार के अंदर और चलिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसको पीसने में लगभग आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी लगेगा, तो आपको जैसे लगे उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें और अच्छी तरीके से बारीक पीस लें। तो देख सकते हैं मैंने इसमें आधा कप पानी डाला था थोड़ा थोड़ा करके और एकदम बढ़िया से इसको पीस लिया है। थिकनेस आप देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि ये बहुत गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस चटनी को इतना ही गाढ़ा बनाएंगे। तो ये चटनी हमारी, चटनी का जो बेस है वो तैयार हो गया है। चलिए इसको निकाल लेते हैं अलग बाउल में। और अब इसके लिए हम, और तड़का बनाने के लिए मैंने उसी पैन का यूज़ किया जिसमें हमने प्याज और बाकी चीज़ों को भून कर लिया था। उसमें थोड़ा सा ऑयल बच गया था, मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल फिर से डाला है। और तेल जैसे ही गर्म होता है इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने, आधी छोटी चम्मच उड़द दाल और थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। हींग बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। जैसे ये बढ़िया से भुन जाएंगे इसमें हम थोड़ी सी करी लीव्स ऐड करेंगे और इनको भी बढ़िया से क्रैकल होने देंगे। जैसे ही सारी चीज़ें भुन जाएंगी हम गैस का फ्लेम बंद करके आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे जिससे कि तड़के का कलर एकदम बढ़िया हो जाए। और अब हमारा ये तड़का तैयार है इस चटनी के ऊपर डालने के लिए। तड़का डालने से चटनी का जो लुक है वो तो बढ़ ही जाता है, स्वाद भी इसका बहुत बढ़ जाता है। तो बिना तड़के का नहीं, थोड़ा तड़का डाल के बनाइएगा चटनी, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और इस चटनी को आप 15 दिनों तक एयरटाइट बॉक्स में रख करके स्टोर कर सकते हैं। जब भी खाना हो नया तड़का डालें और इन्जॉय कीजिए। तो चटनी हमारी तैयार है, चलिए इसको रखते हैं साइड में और फटाफट डोसे तैयार करते हैं। यहाँ पर डोसा के लिए मैंने एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तवे को पहले हमें कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको बताती हूँ, यानी डोसे के लिए तैयार कैसे करना है। तो तवे को जैसे ही हम गैस पर रखेंगे हल्का सा गर्म करके थोड़ा सा तेल डालेंगे और एक इस तरीके से प्याज का टुकड़ा लेकर अच्छी तरीके से हमें इसको तेल को फैलाना है तवे के ऊपर। अगर आप लोहे का तवा ले रहे हैं ना तो भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, आपका जो डोसा है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। कोई पानी के छींटे नहीं डालने हैं, कोई टिश्यू पेपर नहीं चाहिए, ना ही गीला कपड़ा चाहिए। और पैन हमारा हल्का अभी गर्म है तभी हम इसमें बैटर डालेंगे, पैन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे आपको। तो यहाँ पर 1.5 करछी के आसपास मैं ये बैटर इसके ऊपर पोर करूँगी। और अब हम थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाकर सेंटर में बिल्कुल करछी को रखते हुए हल्के हाथों से फैलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से इसको फैलाना है। और देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये हमारा डोसा स्प्रेड हो गया है। जैसे एक साइड सिक जाता है थोड़ा सा ऑयल बटर या फिर घी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से सिकने देंगे। चारों तरफ से एकदम जब क्रिस्प हो जाएगा ना तब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो डोसा अच्छे से सिक गया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला, जैसे कि जो डोसा बने बहुत ही अच्छा बनेगा। आप ये मसाला चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से चीज़ या फिर आलू का मसाला भी स्टफ़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये प्लेन डोसा बना रही हूँ, उसमें कोई भी स्टफिंग नहीं डालेंगे। मसाले को डालकर अच्छे तरीके से फैला लीजिए और देख सकते हैं डोसा हमारा दूसरे साइड से बढ़िया से क्रिस्प होने लगा है। तो अब हम इसको टर्न करेंगे या फिर आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं डायरेक्ट। और देख सकते हैं डोसे का कलर कितना औसम आया है, जैसे आप बाज़ार में डोसे खाते हैं ना होटल में या फिर ठेले वाले, बिल्कुल देख सकते हैं इनका कलर और लुक बिल्कुल वैसे ही है और क्रिस्प भी उतने ही हैं। ये देखिए हर तरह से डोसा एकदम लाजवाब लग रहा है। और ये टमाटर का डोसा है ना तो इसमें एक टमाटर का टैंगी टेस्ट भी आएगा, बहुत औसम लगते हैं। ना ही फर्मेंट करने की ज़रूरत है, ना इनो, ना फ्रूट साल्ट, कुछ भी नहीं डालना है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए सारे डोसे इसी तरीके से बनाकर हम तैयार करते हैं। दूसरी बार डोसा बनाने के लिए पैन को सिंपली आप प्याज के छिलके से एक बार पोंछ लीजिए और वापस से थोड़ा सा ठंडा करने के बाद बैटर डालें और उसी तरीके से सेक लीजिए।
और ये लीजिए हमारा दूसरा डोसा भी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत बहुत टेस्टी ये टमाटर के डोसे खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं, एक बार ज़रूर बनाइएगा आप। देख सकते हैं डोसे का लुक कितना ऑसम है, एकदम बढ़िया से सुनहरे हुए हैं, क्रिस्प भी उतने ही हैं और बहुत ही स्वादिष्ट। तो इसे मैं सिंपली पीनट की चटनी और थोड़ी सी मीठी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप जब डोसा बनाते हैं तो इसे किसके साथ खाते हैं ज़रूर बताइएगा। टोमेटो का डोसा आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, देखिए कितने क्रिस्प हुए हैं ये। मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए हल्का सा दबाते ही एकदम चूरा बन जाएंगे, इतनी ज़्यादा क्रिस्प बने हैं, देख रहे हैं। तो आपको ये डोसे की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से लिख के बताइएगा। नए नई और बहुत ही स्वादिष्ट डोसे की और भी रेसिपी के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, जाकर जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर दिन एक नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वो भी फ्री में। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्जॉय कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।